21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली पड़ती हैं, जिसके वजह से उस एरिया में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। भारत भी उसी एरिया में पाया जाता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है, जिसके वजह से आर्कटिक सर्किल के पास के कुछ देश वहाँ पे 6 महीने दिन होता है। यही केस साउथर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने रात होता है। इसी घटना को हम लोग समर सोल्स्टिस कहते हैं। 22 दिसंबर को यही घटना उल्टा हो जाता है। सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली पड़ने लगती हैं, जिसके वजह से साउथर्न हेमिस्फीयर पे गर्मी होने लगती है और अंटार्कटिक सर्किल के पास के कुछ देशों पे वहाँ पे 6 महीने दिन होता है और उसका उल्टा नॉर्थ पोल के कुछ देशों के पास 6 महीने रात होता है। इसी घटना को हम लोग विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को मेनली देखा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर पे डायरेक्टली पड़ती हैं। इस समय पोल जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं रहता है, जिसके वजह से दिन और रात बराबर होते हैं। इस घटना को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। ओके, थैंक यू।